और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने नकली करार दिया है। एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया। डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से संपर्क, ये कहना है अखिलेश यादव का। दिखावटी गोली मारी और जात देखकर जान ले ली। तो ये बड़ा आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है, एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और फिर बाकी लोगों के पैरों में तो सिर्फ दिखावटी गोलियां मारी गई, जात देखकर लेकर जान ले ली गई। मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी तो पूरा वापस होना चाहिए, सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे तो उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली इनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली इनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। बीजेपी राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का यह काम चलता रहता है, और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली इनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। सीधे सीधे ये सुल्तानपुर इनकाउंटर और इसको लेकर नकली इनकाउंटर से लेकर जात देखकर गोली मार दी, ये तो कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर दिया इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने। संजय, बीजेपी क्या कह रही है? बिल्कुल, यो पूरी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने, ये कहते हुए कि ये एनकाउंटर फर्जी था और जिस अपराधी को मारा गया है जाति देखकर मारा गया, जो मुख्य आरोपी था वो किसी अन्य जाति का था जिसको सरेंडर कराया गया, पूरी मिलीभगत थी। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं आपकी सरकार पर कि आप लोग जात देख करके एनकाउंटर करते हैं। कल जो एनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की डकैती वाला, वो फर्जी एनकाउंटर है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में अपराध और अपराधी में कोई इस तरह की जातीय भेदभाव देखकर हमारी सरकार काम नहीं करती। योगी जी की सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं, जातिगत एजेंडा उन्हें तय करना, जातिगत समाज में टकराव उन्हें पैदा करना। हमारी सरकार ने जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप फिर कैसे वो लगा रहे हैं कि जाति विशेष का जो अपराधी, जो मुख्य आरोपी था इस पूरी लूटकांड का, उसको तो सरेंडर करा लिया, अगर उससे ढंग से पूछताछ की जाती तो वो जो भी लूटी गई ज्वेलरी या सामान है वो बरामद करवा देता, और ये जो मंगेश यादव है उसको जानबूझ करके गोली मारी गई और इनकाउंटर किया गया, हत्या की गई उसका, ऐसा कहना उनका? अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो जग जाहिर है। अपराधियों के प्रति उनके सरकार के कालखंड में उनका दृष्टिकोण क्या रहा है सब लोग जानते हैं, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो, कौन लोग सम्मिलित थे उसमें सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं है। हमारी सरकार की मंशा में हम लोग बेहतर कानून के राज के साथ जनता ने हमें चुना है और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। लगता है अखिलेश यादव बाई इलेक्शन के पहले जाति का कार्ड खेल? हाँ, निश्चित रूप से ये लोग जातिवादी लोग हैं। समाज में टकराव, तनाव पैदा करना, जातीय द्वंद्व खड़ा करना, ये इस प्रकार के एजेंडे में समाजवादी पार्टी के शामिल हमेशा रहा है, इस पर ये लोग काम करते रहे। तो रुमाना भूपेंद्र चौधरी हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के एजेंडा में इसी तरह का काम रहा है, जब उनकी सरकार थी तो जाति देखकर काम होता था और आज भी वो उससे उभरे नहीं हैं, वही बात वही आरोप आज भी लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ जी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच अखिलेश यादव ने ये जो आरोप लगाए हैं इस पर आप भूपेंद्र चौधरी को तो सुन ही रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। हर एनकाउंटर के बाद अखिलेश जी बेचैन हो उठते हैं, ये कहना है बीजेपी का, चोट अपराधी को लगती है और दर्द अखिलेश जी को होता है। इस तरीके के बयानों के जरिए बीजेपी घेराबंदी अखिलेश यादव की कर रही है, और अखिलेश के आरोपों को लेकर मंत्री यूपी सरकार में ओम प्रकाश राजभर, उनका भी बयान आया, कह रहे हैं कोई गोली चलाएगा तो पुलिस माला तो नहीं पहनाएगी।
सजा जो सह जाती है अगर वो मारा जाता है तो फिर सरेंडर करा देना चाहिए था ना। ये देखिए किस तरीके से घेराबंदी अखिलेश यादव की राजभर कर रहे हैं। अखिलेश अपनी सरकार में भी अपराधियों के पक्ष में रहते थे, अपराधियों के पक्ष वाली अखिलेश की आदत गई नहीं है अब तक। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, अखिलेश यादव का कहना है सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी, ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, उसमें जो अपराधी मारे गए हैं जाति देख करके मारे गए हैं। मुख्य आरोपी जो था उसको सरेंडर करा लिया गया, अगर चाहते तो उससे सारी बरामदगी हो सकती थी, लेकिन जाति विशेष के आदमी यानी मंगेश यादव जिसको एसटीएफ ने ढेर कर दिया है उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों से मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डकैती डालने गई थी, उस गिरोह में वो था न। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहरावे कि पुलिस गोली चलावे, अपने सुरक्षा में पुलिस क्या करेगी। माला जा खरीद के लेके गाड़ी में रखे रहे, जब अपराधी गोली चलाने लगे तो वो माला लेके भाई गोली न चलाओ, हम माला पहनाने आ रहे हैं, ये पुलिस का काम है। अगर वो अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चला रहे हैं, जब वो उधर से चला रहा तो इधर से गोली चली, तब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। तो ये चीज़ें जो है उनका कहना ये गलत है, तो उसको भी जाके सरेंडर हो जाना चाहिए था। क्यों भाग रहा था, 4 बजे भोर में भागने का क्या औचित्य है। लेकिन अखिलेश यादव तो पूरे एनकाउंटर को ही फर्जी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है तय करके हुआ है, मतलब जिस तरह से एनकाउंटर होता है रियल एनकाउंटर नहीं मान रहे हैं। उनकी सरकार में फर्जी हुआ होगा तो उसी को बता रहे होंगे। इस सरकार में ये बात प्रमाणित है न, वो कह रहे हैं न कि मुख्य सरगना सरेंडर कर गया, वो चलाक था जाके सरेंडर कर गया, तो आप इसको भी सरेंडर करा देना चाहिए ना। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है उसको मार दिया जाएगा तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में वो भी फायरिंग करती है, गोली जाति चीन के नहीं लगती है। जो भी सामने होगा फायर करेगा उसको गोली लगेगी।